आज बनाएंगे एक सीजनल स्नैक्स रेसिपी तालेर बड़ा यानी कि सुगर पम फ्रिटर्स। ये सुगर पम फ्रिटर्स किस तरह आसानी से बना पाएंगे वो आज हम दिखाएंगे। तो चलिए सुगर पम फ्रिटर्स कैसे जल्दी बना सकते हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे। सुगर पम मिलता है जुलाई अगस्त के टाइम में। एक सुगर पम यानी कि एक ताल हमने ले लिया। पहला काम है ये जो छिलका है ऊपर का इसको निकाल। एक पेपर हमने ले लिया, पेपर में रख के इसका छिलका निकाल लेंगे तो पेपर के साथ ही हम इसको फेंक सकते हैं तो आपका किचन भी बिल्कुल साफ रहेगा। चाकू से छिलका आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपका हाथ भी ठीक रहेगा और इससे जल्दी जल्दी आप छिलका निकाल भी सकते हैं। और अभी तो रुको। देखिए ताल हमने पूरी तरह छिलका निकाल के बना लिया। Finally! अब इसको खोलना है। इसके अंदर कभी दो कभी तीन सीड रहता है, इसको हम खोलेंगे। सीड अंदर है एकदम बीच में, इसलिए इसको हमने हल्का सा क्रैक कर लेंगे। अब 10 मिनट इसको हम ढक के इस तरह छोड़ देंगे। A few minutes later, अब देखेंगे पानी डालने से ही नरम हो चुका है ताकि आसानी से हम इसे पल्प निकाल सके। इस तरह एक फ्लैट छलनी थाली के ऊपर रख के ये जो ग्रेटर है इससे हम पल्प निकालना शुरू करेंगे। छोटा छोटा हिस्सों में अगर आप इसको बांट लेंगे तो पल्प निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। बड़ा हिस्सा जो है इस तरह पकड़ के सिर्फ इसको रगड़ते जाइए, अपने आप पल्प बाहर निकल आएगा। देखिए कितना अच्छा पल्प निकल रहा है। ताल से हमने पूरा पल्प जितना हो सके निकाल लिया। छलनी में पल्प निकालने का दो मकसद है, सीड नरम करने के लिए जितना पानी हमने डाला वो निकाल लिया जाएगा और आंच इसके अंदर आ गई। इस तरह पल्प को निकाल लेंगे। ये देखिए ताल से जितना छिलका इसके अंदर आ गया था ये हमने पूरी तरह निकाल लिया। अगर ये रह जाता तो मुंह में लगने से खाने में अच्छा नहीं लगता। देखिए महीन सा नरम पल्प निकाल के तैयार कर लिया हमने। ये बनाने में मुझे 25 मिनट टाइम देना पड़ा
अगर ताल छोटा साइज हो तो इसे कम टाइम में भी आप पल्प निकाल सकते हैं। पाम फ्रूट्स में हमेशा एक बीटर टेस्ट रहता है, इस तरह हमने वो बीटर टेस्ट निकाल सकते हैं। और पल्प निकालने के लिए जितना पानी हमने डाला था वो भी निकल जाएगा। अब इसको ढक के इस तरह छोड़ देंगे एक घंटे के लिए। देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, पाम फ्रूट का जो तीखापन सब इसके साथ निकल गया है। तो चलिए अब हम इसको निकाल देते हैं। एक बाउल हमने ले लिया, इसमें हम निकाल लेंगे पल्प। पानी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही अच्छा पल्प बन के तैयार हो गया। 50% हमने लिया, इतना सा पल्प जो बचा है एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको हम रख देंगे। एक कप चीनी, 2/3 कप राइस फ्लावर और 1/2 कप सेमोलिना यानी कि रावा, इसको हम पहले अच्छी तरह मिला लेंगे। रावा से एक फायदा है, ये जो बड़ा हमने बनाएंगे ये बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे बनके तैयार होगा। 1 कप नारियल, अच्छी तरह इसको मिला लेना पड़ेगा। नो गॉड प्लीज नो नो। थोड़ा हाथों से मिलाएंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि ये पूरी तरह बनके तैयार हुआ है। देखिए जब तक ऑयल गरम होता रहेगा तब तक इसको हम रेस्ट में रख देंगे 10 मिनट 5 मिनट जितना जरूरत। ऑयल गरम हो चुका है, अब देखना है बैटर हमारा किस तरह बना है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। हाथों से हमने इस तरह एक एक छोटा छोटा बॉल बना के डीप फ्राई करते जाएंगे। तो चलिए ऑयल गरम हो चुका है, अगर आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, पर इस तरह होने से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि सभी फ्रिटर्स एक जैसा बने। मीडियम हीट में इस तरह पलट पलट के आपको ये फ्राई करना पड़ेगा ताकि चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो जाए अंदर तक, और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगा आपका ये स्नैक्स। हल्का सा ब्राउन होने देंगे। ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है, देखिए कलर। हम इसको निकाल लेंगे, फिर एक बार दिखाऊंगी आपको किस तरह फ्राई करना है। जितना हो सके राउंड शेप में और सभी एक जैसा बना पाए तो और भी अच्छा होगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए कितना औसम बना के तैयार कर लिया है हमने ताल बौड़ा। टिश्यू पेपर डाल के इसका अंदर जितना एक्स्ट्रा ऑयल था ये सब मिटा दिया। अभी हम इसको दूसरा एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। जन्माष्टमी त्योहार में ये ताल बौड़ा और ताल खीर अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरा चैनल में आप देख सकते हैं, हम लिंक डाल देंगे। एक आपको तोड़ के हम दिखाते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी और अंदर से पूरा बेहतरीन बनके तैयार हो गया है। सो थैंक यू व्यूअर्स।